हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे, हम आज का हमारा टॉपिक है एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़। कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन, टेक्सटाइल्स, सुगर एंड एडिबल ऑयल्स एक्सेट्रा इंडस्ट्रीज़ आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर्स रॉ मटेरियल्स। यानी जितने भी प्रोडक्ट हैं जो ये हमें मिलते हैं, रॉ मटेरियल जो हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, ये किसका बेस है? बेस ऑन है एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर से हमें ये रॉ मटेरियल मिलते हैं। चाहे कॉटन की बात करें, जूट की, वुलन की, ये सब टेक्सटाइल हैं और सारी की किस पे हैं, हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं पढ़ेंगे। जैसे कि आप देखेंगे, हम फाइबर देखें, यहाँ पे फाइबर प्रोड्यू जो प्रोडक्शन होता है वो हमारा हो गया रॉ फाइबर। यानी जब हमें कॉटन का जो फूल होता है, जो हम प्लांट से निकालते हैं और उसका प्रोडक्शन करना है, तो वो हमारा सबसे पहले क्या हो गया, जो कॉटन का फ्लावर होता है, फाइबर हो गया, वो रॉ फाइबर कहलाएगा। उसके बाद उसकी स्पिनिंग करेंगे, स्पिनिंग करने के बाद वो क्या बनेगा, यार्न यानी धागा बन जाएगा। उसके बाद वीविंग होगा, यानी निटिंग होगी, उसकी बुनाई की जाएगी, उसको धागा, धागे को हम अब फैब्रिक में चेंज किया जाएगा कपड़े में, फिर उसको डाइंग करेंगे, फिनिशिंग करेंगे, और फिर हम उसके गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग होगा और उससे हम कपड़ा बनाएंगे। लाइक जैसे आप शर्ट पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं, तो स्टूडेंट ये एक प्रोसेस होता है पूरा, वैल्यूएबल वैल्यू एडिशंस की जाती है और टेक्सटाइल के थ्रू, जिसमें लिखा भी है वैल्यू एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। यानी ऐसा नहीं कि रॉ फाइबर है उसको हम यूज़ कर लेंगे, नहीं, रॉ फाइबर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग, गारमेंट तक जितना भी प्रोसेस है, ये सारी टेक्सटाइल करती है और हमारी ही कंट्री में होता है। सबसे बेस्ट ये है कि कॉटन का जो वर्क है, यानी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें हम रॉ मटेरियल से लेके और प्रोसेसिंग, उसको वैल्यूएबल बनाने तक का सारा काम हम खुद कर सकते हैं। हम सेल्फ रिलायंट हैं, ऐसा नहीं है कि हमें दूसरे पे डिपेंड होना पड़ेगा। जैसे कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम कुछ चीज़ें, रॉ मटेरियल तो है लेकिन हम उसको वैल्यूएबल नहीं बना सकते, तो उसके लिए हमें जैसे चाइना से इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ़ एक कॉटन में जो ये रॉ मटेरियल है, इसको हम कम्प्लीटली, इस प्रोसेस को कम्प्लीट कर सकते हैं और वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशंस इन द इंडियन इकोनॉमिक। आपको पता है कि भाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो एक स्पेशल पोजीशन इकोनॉमिक में स्टैंड करती है, क्योंकि अभी मैंने बताया, क्योंकि रॉ मटेरियल से लेकर वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाने तक सारा काम जो है टेक्सटाइल वो खुद कर सकती हैं, सेल्फ रिलायंट है, कि अपने ऊपर डिपेंड है, किसी और पे डिपेंड होने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। तो इकोनॉमिक के लिए बहुत बड़ा इसमें एक फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है, बिकॉज इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्योंकि इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन बनता है, जो भी एम्प्लॉयमेंट है जनरेट होता है, या फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होती है, तो ये सारी जो है कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, इंडस्ट्री तो कर रही है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं, जनरेट कर रही हैं इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है, और फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है, उससे अर्निंग हो रही है, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को। तो इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री, ये कंट्री में एक ऐसी इंडस्ट्री है विच इज़ एन सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन, जो पूरी चेन को कंप्लीट करने में ये इंडस्ट्री सेल्फ रिलायंट है, एंड फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द हाईएस्ट वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स। यानी कच्चे माल से लेके पक्के माल तक बनाने में इसका खुद का ही रोल है, इसे किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जो पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ पढ़ रहे हैं, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, जो एग्रीकल्चर टेक्सटाइल्स हैं, जो नेचुरल हम कह सकते हैं डिपेंड है, किस पे डिपेंड है, अपने ऊपर डिपेंड है, और जो इकोनॉमिक के लिए इकोनॉमिक वैल्यू जो डेवलप करती हैं वो हमारी कंट्री के लिए बहुत वैल्यूएबल है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल क्या होती हैं। अभी सिर्फ हमने बेस ऑन समझा है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कितनी स्टैंड करती है पोजिशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉटन टेक्सटाइल।